दोस्तों, एक ऐसा दौर जब पूरा का पूरा बॉलीवुड मोदी जी के आगे नतमस्तक हो चुका है, नतमस्तक क्या दंडवत हो चुका है। एक ऐसा दौर जब सदी के महानायक तक मोदी जी के आगे चूं तक नहीं कर पाते। एक अकेली औरत बॉलीवुड एक्टर सुष्मिता सेन ने कैसे देश को देश के संविधान की याद दिलाई, प्रीएम्बल शेयर किया और उसके मूल्यों को बताया और ये अपने आप में खबर बन गई। लेकिन इस सब के बीच सुष्मिता सेन का भारत के संविधान पर केवल ये बोलना नफरत की गेंग को इतनी बुरी लग गई कि उनके साथ भी वही चाल चली जा रही है जो गांधी परिवार या विपक्ष के दूसरे नेताओं के साथ चली जाती है। क्या सुष्मिता सेन को मुस्लिम घोषित करने की चाल? दोस्तों, सोशल मीडिया में मिस्टर सिन्हा नाम के ट्विटर बाज ने सुष्मिता सेन का यह पुराना वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, मिस्टर सिन्हा को आप हल्के में मत लीजिएगा। मिस्टर सिन्हा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के ऑफिस से लेकर मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा से लेकर कई बड़े चैनल के संपादक तक इन्हें फॉलो करते हैं। मतलब कि दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि जो घोषित तौर पर बीजेपी नहीं कह पाती, अघोषित तौर पर ऐसे ट्रोल्स के जरिए कहती है। इन्होंने सुष्मिता सेन का एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें सुष्मिता सेन लोगों को रमजान की बधाई दे रही हैं और एक सूरा पढ़ के सुना रही हैं। और इसमें कैप्शन के जरिए मिस्टर सिन्हा ने बताने की कोशिश की है कि बात तब क्लियर हो गई है। क्या ये कहने की कोशिश कि सुष्मिता सेन दरअसल है तो मुस्लिम या उनकी रुझान मुस्लिमों की तरफ है? बड़ी हैरानी करने वाली बात है दोस्तों कि जो लोग सुष्मिता सेन का ये वीडियो शेयर कर रहे हैं वो ये नहीं सुन रहे हैं कि इस वीडियो में वो कह क्या रही हैं। वो लोगों को रमजान की बधाई दे रही हैं और कह रही हैं कि धैर्य से आपके जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं वो आप पा लें, बस उसमें उनकी भाषा वो नहीं है जो उनको पसंद आए। बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये जितने भी लोग सुष्मिता सेन को ट्रोल कर रहे हैं, क्या 22 जनवरी के आसपास इन्होंने देश के न्यूज चैनल्स नहीं देखे? दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जब से करीब आई, ऐसे कई मुस्लिम स्कॉलर्स को देश के न्यूज चैनल में बिठाया गया जिन्होंने कई बार संस्कृत के श्लोकों के जरिए तो कई बार रामचरितमानस के अलग अलग संदर्भों के जरिए देश को बताया कि प्रभु श्री राम का चरित्र क्या है। मतलब आप सोचिए कि एक मुस्लिम अगर प्रभु श्री राम की बात करता है तो कम मुस्लिम थोड़ी हो जाता है, लेकिन अगर एक हिंदू, मतलब बंगाली हिंदू है सुष्मिता सेन, काली माता के बहुत बड़े भक्त भी हैं, वो अगर एक सूरा पढ़ देती हैं तो मुस्लिम घोषित करने की पूरी तैयारी कर दी जाती है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे खबरीलाल टीवी, मैं हूं आकांक्षा, धन्यवाद।